हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर सब। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैनल ट्रांजिशन के बारे में। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे चैनल ट्रांजिशन क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं चैनल ट्रांजिशन क्या होता है। ठीक है, चैनल ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि चैनल का विड्थ या डेप्थ का जो चेंजेस होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ लेंथ ऑफ द चैनल, उसको हम लोग चैनल ट्रांजिशन बोलते हैं। जैसे कि देखिए, मैं फिगर से समझा रहा हूँ। चैनल, ये हमारा चैनल का वेड है। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, अगर ये इंक्रीज कर गया, यहाँ से वाटर फ्लो डेप्थ थी, यहाँ पे कुछ थी, यहाँ पे कुछ थी। ये देखिए, यहाँ का डेप्थ अगर y1, यहाँ का डेप्थ y2, ये दोनों में चेंजेस आ गए। किसके वजह से? ये चैनल बॉटम राइज हो गया इसके वजह से। तो इसको हम लोग चैनल बॉट ट्रांजिशन बोलेंगे, चैनल बॉटम ट्रांजिशन बोलेंगे। उसका और एक केस हमारा आता है चैनल विड्थ ट्रांजिशन। विड्थ ट्रांजिशन किसको बोलेंगे? अगर चैनल के विड्थ में हमारा चेंजेस आ रहे, जैसे आप देख सकते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे चैनल का विड्थ कुछ था b1, यहाँ पे कुछ और हो गई विड्थ b2। यहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ पे कम हो गया। कम से ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा से कम हो सकती है, दो कंडीशंस हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं चैनल के बॉटम में या फिर विड्थ में, तो उसको हम लोग बोलते हैं चैनल ट्रांजिशन। तो चैनल ट्रांजिशन में हम लोग पहला बात करने वाले हैं चैनल बॉटम ट्रांजिशन के बारे में। ठीक है, चैनल बॉटम। और चैनल बॉटम जब चेंजेस होगा तो उसमें दो कंडीशंस हो सकते हैं, या तो चैनल बॉटम ऐसे राइज करेगी, या तो एक चैनल बॉटम ऐसे फॉल करेगी। ठीक है, इस टाइप से दो कंडीशन। तो हम लोग दोनों वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहला हम लोग जानते हैं चैनल राइज, चैनल बॉटम राइज कंडीशन के बारे में। ठीक है, तो जब चैनल बॉटम राइज कंडीशन के बारे में स्टडी करेंगे, तो हमारा क्या होगा, चैनल विड्थ जो है कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी तो हम लोग स्टडी कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, चैनल विड्थ को कांस्टेंट रख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप हम लोग इस फिगर में देख सकते, ये हमारा क्या है, प्लान व्यू है। चैनल विड्थ को क्या हमने रख दिया, कांस्टेंट। उसके बाद देखिए, एज द चैनल बॉटम चेंजेज स्पेसिफिक एनर्जी आल्सो चेंजेस, सो ई कर्व इज यूज्ड फॉर द चैनल बॉटम ट्रांजिशन। क्या होता है, चैनल का बॉटम अगर इंक्रीज करेगा तो स्पेसिफिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, या फिर चैनल बॉटम डिक्रीज करेगा तो स्पेसिफिक एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। तो इस टाइप से विथ चेंज इन बॉटम स्पेसिफिक एनर्जी ऑल्सो चेंजेस। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग स्पेसिफिक एनर्जी कर्व यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा चैनल बॉटम है स्टार्टिंग का, मीन्स अप स्ट्रीम बोल सकते हैं। यहाँ आने के बाद हमने क्या किया, इसको इंक्रीज कर दिया, कितना अमाउंट से, डेल्टा जेड अमाउंट से। ठीक, तो जब पहले हमारा यहाँ पे क्या था, E1 था स्पेसिफिक एनर्जी, यहाँ पे क्या हो गया, E2 हो गया स्पेसिफिक एनर्जी। उसका फर्दर हमने क्या किया, पहले डेल्टा जेड अमाउंट से इंक्रीज किया था, इसका फर्दर और इंक्रीज कर दिए हम लोग, फर्दर और इंक्रीज कर दिया डेल्टा जेड सी अमाउंट से, मीन्स क्रिटिकल कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे E1 का E1 ही रह गया, लेकिन E2 हमारा क्या बन गया, EC, दैट इज क्रिटिकल एनर्जी। इसके बाद हमने क्या किया, फिर से फर्दर और इंक्रीज कर दिया, कितना, डेल्टा जेड, वो क्या होगा, ग्रेटर देन डेल्टा जेड सी होगा, मीन्स क्रिटिकल से ज़्यादा हम लोग इंक्रीज कर दिए। तो इंक्रीज कर दिए तो उसमें से क्या हो जाएगा, हमारा जो E1 था वो चेंज होके E1 डैश बन गया, लेकिन E2 जो था, E2 हमारा क्या रह गया, EC ही रह गया, मीन्स क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं और इस स्पेसिफिक एनर्जी कर्व से समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या है, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व है, जिसको मैं एक्सप्लेन में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या है, जब चैनल बॉटम क्या है, इंक्रीज करेगा, मीन्स y1 था पहले, और यहाँ से हम लोग इसको इंक्रीज करके ये y2 कर दिए, यहाँ पे क्या था, y1 था, यहाँ पे क्या हो गया, y2। तो जब y2 इंक्रीज कर रहा है, तो इस स्पेसिफिक एनर्जी कर्व से देख सकते हैं, यहाँ पे e1 था, यहाँ पे चेंज होके क्या आ गई, e2 आ गई। ठीक है, मीन्स स्पेसिफिक एनर्जी क्या हो गया, पहले E1 था, देखिए यहाँ से यहाँ ज़्यादा थी, फिर यहाँ से यहाँ क्या हो गया, डिक्रीज हो गई। ठीक है, मीन्स अगर सुपर क्रिटिकल कंडीशन में हम लोग बात करें,
कि अगर चैनल बॉटम क्या है इंक्रीज करती है डेप्थ वाई वन से वाई टू, तो स्पेसिफिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो एक कंडीशन ऐसा होगा कि जब चैनल बॉटम को हम लोग इंक्रीज करते करते वाई सी मीन्स क्रिटिकल डेप्थ फ्लो कंडीशन पे जाएंगे, तो हमारा स्पेसिफिक एनर्जी क्या हो जाएगा, ई सी क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी पे पहुंच जाएगी। ये हम बात कर रहे हैं किसके, सुपर क्रिटिकल कंडीशन के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करें सब क्रिटिकल कंडीशन के लिए, अगर चैनल बॉटम को हम वाई वन से वाई टू इंक्रीज करेंगे, देखिए यहाँ पे वाई वन है, यहाँ से ये वाई टू में हम कर दिए, तो क्या हो गया, देखिए यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी ई था, यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी, सॉरी माफ़ कीजिएगा मैं उल्टा बता दिया, यहाँ पे वाई वन था, यहाँ पे मैं इंक्रीज करूँगा अगर वाई वन से वाई टू यहाँ पे ले जाऊँगा, तो क्या होगा, स्पेसिफिक एनर्जी यहाँ से ये इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। मीन सुपर क्रिटिकल कंडीशन में क्या होगा, स्पेसिफिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी चैनल बॉटम इंक्रीज करने में, और सुपर क्रिटिकल कंडीशन में क्या होगा, स्पेसिफिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। अब तो ये कहाँ तक जाएगी, क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी तक, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग यही इसी चीज़ को हम लोग थियोरेटिकली देखते हैं क्या होता है, वेन चैनल बॉटम राइजेज डेल्टा जेड, मैंने अभी फिगर में पहले समझा था, पहले क्या करते हैं, राइज करते हैं डेल्टा जेड से, तो क्या होगा, ई हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, और कहाँ से, ई वन से ई एन तक जाएगा, ई एन मीन्स ई सी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या डिक्रीज कर सकते हैं, ई सी तक डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस फिगर में जब हम लोग इसको इंक्रीज करते जाएंगे, तो ई हमारा कहाँ, यहाँ से यहाँ तक पॉसिबल है कि डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अप्रोचिंग फ्लो क्या होगी, अप्रोचिंग फ्लो सुपर क्रिटिकल में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल फॉल फ्रॉम वाई वन टू वाई टू, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वाई वन से वाई टू वाटर लेवल फॉल हो जाएगी, और सुपर क्रिटिकल कंडीशन में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल राइजेस फ्रॉम वाई वन टू वाई टू, यहाँ पे सुपर क्रिटिकल में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल राइज कर जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या है, इफ़ चैनल बेड राइजेज फर्दर डेल्टा जेड इज्कवल टू डेल्टा जेड सी, जो मैंने सेकंड कंडीशन बताया था, पहले डेल्टा जेड इंक्रीज किया, फिर डेल्टा जेड इंक्रीज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा जेड सी तक, देन स्पेसिफिक एनर्जी चेंजेज एज ई टू बिकम ई सी, तो हमारा क्या था, ई टू क्या हो जाएगा, ई सी बन जाएगा, ई सी मीन्स क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी, एंड वाटर सर्फेस रीचेज टू क्रिटिकल डेप्थ रिजल्ट एज ए क्रिटिकल फ्लो, ठीक है। तो वाटर सर्फेस हमारा क्रिटिकल डेप्थ तक पहुँच जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रिटिकल फ्लो कंडीशन आ जाएगा, दैट इज ई टू बिकम ई सी एंड वाई टू बिकम वाई सी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, इफ चैनल बेड राइजेज बियॉन्ड जेड सी मीन्स डेल्टा जेड इज ग्रेटर देन डेल्टा जेड सी, देन फॉर द गिवन अप स्ट्रीम ई, देन डाउन स्ट्रीम ई टू बिकम लेस देन द ई सी, मीन्स डाउन स्ट्रीम स्पेसिफिक एनर्जी क्या होगा, क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी से कम हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, लिखा है विच इज नॉट पॉसिबल एंड चॉक्ड कंडीशन एग्जिस्ट, चॉक्ड कंडीशन मतलब नो फ्लो, फ्लो होगा ही नहीं, क्यों, अब देखिए इस फिगर में देख सकते हैं कि क्या है, कि यहाँ से अगर इंक्रीज कर जाएंगे इससे ज़्यादा, ठीक है, इससे ज़्यादा अगर इसको इंक्रीज करके यहाँ ले आएंगे, तो यहाँ पे तो स्पेसिफिक एनर्जी कर्व कहीं क्रॉस ही नहीं करेगी, कोई डेप्थ ही डेप्थ का फ्लो ही नहीं आएगा, मीन्स वाई जो है डेप्थ ऑफ फ्लो वो क्या हो जाएगा, जीरो, तो मतलब फ्लो कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि चॉक्ड कंडीशन एग्जिस्ट एंड नो फ्लो, तो फ्लो करवाने के लिए क्या है, इन ऑर्डर टू फ्लो अपस्ट्रीम परसीव हम्प एज एन ऑब्स्ट्रक्शन, मीन्स अगर चैनल बॉटम को हम लोग इंक्रीज करेंगे एज ए ऑब्स्ट्रक्शन इंक्रीज कर सकते, तो कहाँ तक, अपस्ट्रीम स्पेसिफिक एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम ई वन टू ई वन डैश एंड डाउन स्ट्रीम रीचेज टू ई टू बिकम ई सी, मतलब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, अपस्ट्रीम साइड ई वन को ई वन डैश तक इंक्रीज कर सकते हैं, और डाउन स्ट्रीम कहाँ तक, ई टू को क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी तक ही इंक्रीज कर सकते हैं, तभी जाके हमारा क्या होगा, फ्लो कंडीशन एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो क्या होगा, फ्लो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अब हम लोग ई कर्व से जानते हैं, मीन्स स्पेसिफिक एनर्जी कर्व से, सुपर सब क्रिटिकल फ्लो अपस्ट्रीम वाई इंक्रीज होगा, कहाँ से, अपस्ट्रीम साइड वाई वन से वाई डैश तक, और वाई टू बिकम वाई सी क्रिटिकल डेप्थ तक हो सकती है, और सुपर क्रिटिकल में क्या होगा कि अपस्ट्रीम साइड वाई टू डिक्रीज होगा, और कहाँ से, वाई वन
से वाई वन डैश तक, और वाई टू क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम साइड क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो तक आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं ग्राफ से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ से आपका मैक्सिमम चैनल बॉटम ट्रांजिशन का क्वेश्चन जो है, न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बेस्ड ऑन ओनली दिस ग्राफ, ठीक है। सो आप लोग ध्यान से समझिएगा इस ग्राफ को, ठीक है। तो देखिए ये ग्राफ क्या है, हम लोग दो कंडीशन के बारे में जानेंगे, एक सुपर क्रिटिकल एक सब क्रिटिकल। तो पहले सब क्रिटिकल के बारे में जानते हैं। तो देखिए इस पॉइंट पे क्या है, हमारा इस पॉइंट पे कोई भी चैनल बॉटम इंक्रीज नहीं हुआ है, वहाँ पे वाई वन और वाई टू है। तो इस डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, चैनल बॉटम इंक्रीज करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जब चैनल बॉटम इंक्रीज करना शुरू करते हैं, तो जो वाई वन थी अपर स्ट्रीम फ्लो डेप्थ, वो तो कांस्टेंट रहेगी, कोई चेंजेस होगी नहीं, क्योंकि जो जहाँ पे हम लोग चैनल बॉटम को इंक्रीज करेंगे और राइज करेंगे, वहाँ के बाद से जो है डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होगा, होना होगा, चेंज होना शुरू होगा। तो वाई टू डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होगा, डिक्रीज करते जाएगी, डिक्रीज करते जाएगी। कहाँ तक करते जाएगी, जब हम लोग जो चैनल बॉटम है डेल्टा जेड सी तक इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और जब डेल्टा जेड सी तक इंक्रीज करेंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा, वाई टू जब उसके फर्दर इंक्रीज करेंगे, नो चॉक्ड कंडीशन होगा, फ्लो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो वाई टू जो है हमारा क्या, कॉन्स्टेंट हो जाएगी, उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। उसके ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो क्या, चॉक्ड कंडीशन हो जाए, और जब उसको इंक्रीज नहीं करेगी और वाटर इधर से फ्लो होते जाएगा, तो इधर स्टोर होते जाएगा, और वाई वन जो है क्या, इंक्रीज करते चला जाएगा। देखिए आप लोग इसको फिगर से समझिए, जैसे ये हमारा क्या है, चैनल बॉटम है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, इसको इंक्रीज कर दिया डेल्टा जेड सी अमाउंट तक, ठीक है। इधर से वाटर आ रही है, आ रही है, आ रही है, तो डेल्टा जेड सी तक। अब इसके फर्दर अगर हम लोग इंक्रीज कर देंगे तो क्या, फ्लो होगी नहीं, और इधर क्या है, अभी क्या थी, यहाँ तक थी वाटर लेवल, अब क्या है, इधर भरते चला जाएगी, भरते चला जाएगी, भरते चला जाएगी। अब यहाँ तो फ्लो हो नहीं रहे, तो यहाँ पे क्या, ये इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, मीन्स वाई वन इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। वही चीज़ यहाँ इस ग्राफ में है कि यहाँ से ये इंक्रीज करते चला जाएगी। और इसका जस्ट ऑपोजिट है सुपर क्रिटिकल फ्लो में, क्या है, यहाँ से यहाँ पे क्या है, चैनल बॉटम में कोई भी चेंजेस नहीं है, यहाँ से क्या किया हम लोग, चैनल बॉटम को राइज करना शुरू किया, तो वाई वन जो क्या था वो कांस्टेंट था, वाई टू इंक्रीज करते गया, किसके बेसिस पे, डेल्टा जेड सी इंक्रीज करने के बेसिस पे। और जब डेल्टा जेड बिकम डेल्टा जेड सी, इस पॉइंट पे डेल्टा जेड बिकम डेल्टा जेड सी, तो वहाँ से क्या होगा, वाई वन जो है क्या, फॉल करना शुरू हो जाएगा, और वाई टू क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, वाई टू बिकम वाई सी हो जाएगी, ठीक है। मीन्स इसके बाद फ्लो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, मीन्स नो चॉक्ड कंडीशन हो जाएगी। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जानते हैं चैनल बॉटम ड्रॉप और फॉल। अभी हम लोग चैनल बॉटम राइज के बारे में जाने, अब हम लोग जानेंगे चैनल बॉटम ड्रॉप के बारे में। तो देखिए इस फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे चैनल बॉटम था जिसको डेल्टा जेड सी अमाउंट से डिक्री फॉल कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी ई वन है, यहाँ पे स्पेसिफिक एनर्जी ई टू है, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये प्लान है, ठीक है। तो ई टू क्या हो जाएगा, ई वन प्लस डेल्टा जेड, और ई वन तो ई वन है ये, ठीक है। ये हमारा स्पेसिफिक एनर्जी कर्व है, देखिए इसमें क्या है, इसमें कोई कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हैं। व्हेन चैनल बॉटम ड्रॉप्स फ्रॉम डेल्टा जेड, ई वन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, कहाँ से, ई वन टू ई टू। अप्रोचिंग फ्लो क्या होगा इसमें, सब क्रिटिकल, डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, और टेंड्स टू वाई टू कहाँ तक चल जाएगी, इन्फिनिटी तक। कहने का मतलब क्या है, जब ऐसे चैनल बॉटम को डिक्रीज करेंगे, यहाँ से तो फ्लो कभी ऐसा होगा कि नहीं, ये चॉक्ड कंडीशन पे जाएगी, फ्लो तो होते ही रहेगी, होते ही रहेगी, कोई बात ही नहीं है कि नहीं होगी। सिमिलरली सुपर क्रिटिकल फ्लो में डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, और टेंड्स टू वाई टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसमें क्या होगा, हमारा चॉक्ड कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नो चॉक्ड कंडीशन। तो हम लोग का सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, इस फिगर से देख सकते हैं, सब क्रिटिकल फ्लो के लिए जब डेल्टा जेड डिक्रीज करेंगे तो वाई वन कॉन्स्टेंट रहेगा, वाई टू क्या होगा, इंक्रीज करते जाएगी। और सेम सुपर क्रिटिकल फ्लो में क्या होगा, जब डेल्टा जेड ड्रॉप करेंगे तो वाई टू क्या होगा, ड्रॉप करते जाएगी, और वाई वन क्या है, कॉन्स्टेंट रहते चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, तो चैनल बॉटम ट्रांजिशन कम्प्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में चैनल विड्थ ट्रांजिशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।